हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। काफी लोगों को अभी भी 10 BD फाइल करते टाइम जो डेट फॉर्मेट करेक्शन होता है और उससे रिलेटेड एरर आता है, वो अभी भी नहीं समझ आया। तो इस वजह से अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन का प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। आप फॉर्म 10 BD सिलेक्ट करेंगे, देन रिवीजन पे जाएंगे और उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है 10 BE। 10 BE में क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है इसलिए आपको इसको डाउनलोड करना है। फिर आपको डाउनलोड टेम्पलेट करना है क्योंकि रिविजन का टेम्पलेट अलग होता है। जैसे आप रिविजन का टेम्पलेट ओपन करोगे पहले तो आपको 10 BE का आ जाएगा। 10 BE का जो आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इसकी इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप रिवीजन कर रहे हैं। अब रिवीजन वाला जो टेम्पलेट आपने डाउनलोड किया है उसमें क्या फर्क है? उसमें यह है कि लास्ट कॉलम में रिवाइज और डिलीट का ऑप्शन आता है। अब इसमें क्या है, पैन ठीक करना है तो मैंने पैन को करेक्ट करके रिवीजन का ऑप्शन डाल दिया। फिर मैंने अपलोड करा तो अगेन डेट फॉर्मेट का एरर आ गया। एरर जो मैसेज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एरर का मैसेज आ गया, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ URN फॉर्मेट शुड बी DD/MMM/YYYY। तो अब ये चेंज हो चुका है। अब मुझे इसको क्या करना है, अपने जो मैंने 10 BD का टेम्पलेट डाउनलोड करके फिल किया था और अपलोड किया था इसी में मुझे ठीक करना है। अब ये ठीक कैसे होगा, तो मैं यहाँ पर नंबर में जाऊंगी, वहां आपको मोर नंबर फॉर्मेट में जाना है। मोर नंबर फॉर्मेट में लास्ट में कस्टम आता है, कस्टम पे जाके आप किसी भी एक में आप ये क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने DMMM-YY किया। अब यहाँ पर टाइप में आप से टाइप कर दीजिए व्हाट डू यू वांट, तो DD/MMM देन अगेन स्लैश और YYYY, ये आपको करके ओके दबाना है। आपने ओके कर दिया एंड उसके बाद इसी को फॉर्मेट को कॉपी करके अगेन इसको सेव कर दीजिए। सेव करके देन रिप्लेस कर दीजिए। मैं ऑलरेडी इसको सेव कर चुकी थी। अगेन यू हैव टू अपलोड CSV। और ये हो जाएगा। तो ऐसे आपको डेट फॉर्मेट का करेक्शन करना है वाइल रिवाइजिंग टाइम फॉर्म फॉर्म 10 BD। होप दिस हेल्प्स। तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।